यहाँ आपको ब्रेकिंग न्यूज दे, कसूर से आईना उनको दिखाया तो बुरा मान गए। कसूर में सूबाई वजीर लाइव स्टॉक हसनैन बहादुर दरेशक का मवेशी मंडी का दौरा। सूबाई वजीर की मीडिया टॉक के दौरान बदमजगी, मवेशी मंडी में नाकिस इंतजाम का सवाल करने पर ठेकेदार और उसके साथी आपे से बाहर हो गए। ठेकेदार उनके साथियों की ब्यूरो चीफ फैंस न्यूज और दीगर मीडिया नुमाइंदगान से बदतमीजी और संगीन धमकियां। सूबाई वजीर और एसी कसूर औरंगजेब सिद्धू भी इस सारे मामले पर खामोश तमाशाई बने रहे और चलते बने। इसी हवाले से मजीद तफसीलात भी लेंगे ब्यूरो चीफ कसूर मियां काशिफ से। जी काशिफ, क्या मामला हुआ था वजीर मौसूफ का? जी शुक्रिया साइमा खान, मैं आपको बताता चलूं कि आईना जो दिखाया तो बुरा मान गए की मिसाल आज कसूर में लगने वाली मवेशी मंडी के ठेकेदार उसके हिलवारियों ने जो है वो सच कर दिखाई। मैं आपको बताता चलूं कि आज सूबाई वजीर लाइव स्टॉक और सुनैन बहादुर दरेशक ने कसूर मवेशी मंडी का दौरा किया। मंडी का विजिट करने के बाद सूबाई वजीर की मीडिया टॉक के दौरान बदमजगी, मवेशी मंडी में नाकस इंतजाम का सवाल करने पर जो है वो ठेकेदार और उसके साथी जो है वो आपे से बाहर हो गए। ठेकेदार और उनके साथियों की मीडिया नुमाइंदगान को जो है वो गलीज गालियां और धमकियां देना जो है वो शुरू कर दी। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि बदमजगी पर सूबाई वजीर और असिस्टेंट कमिश्नर कसूर औरंगजेब सिद्धू भी इस सारे मामले पर खामोश रहे और चलते बने, जिसके बाद ठेकेदार और इसके साथियों की मीडिया को दोबारा कवरेज करने पर जो है वो संगीन नतायज की धमकियां भी दी गई। मीडिया नुमाइंदगान का इस सारे मामले का आला हुकाम से जो है वो फौरी तौर पर नोटिस लेकर ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई और ठेका कैंसिल करने का मुतालबा किया है और ठेकेदार के तिवारियों के खिलाफ भी जो है वो कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। जी अच्छा काशिफ, अगर मीडिया वर्कर्स उनको हकायक बताकर उनसे सवाल ना करें तो कौन उनको हकायक से आगाह करेगा? इस सारे मामले पर खामोशी वजीर की समझ से बालातर है। जी देखें, बिल्कुल यही है कि अगर मीडिया कोई सवाल करता है तो जो है ये ठेकेदार माफिया जो है ये इनको बुरा लगता है। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ है कि जैसे ही क्वेश्चन किया गया मवेशी मंडी के नाकस इंतजाम का तो जो है वो सूबाई वजीर तो उस पर चुप रहे और उसके जो ठेकेदार के हिवारी हैं और ठेकेदार है वो आपे से बाहर हो गए। अच्छा काशिफ, अब तो कुछ ही रोज बाकी बचे हैं, ईद उल अज़हा में जाहिर करीब ही है, तो ऐसा पॉसिबल है, ऐसा मुमकिन है कि अब जो निशानदही की गई है ठेकेदारों के हवाले से, क्या ठेकेदार तब्दील किए जा सकते हैं? जी देखें कि जिली इंतजामिया डीसी कसूर अगर इस पर एक्शन लें और उसका ठेका कैंसिल कर दिया जाए तो इसकी जगह पर जो है वो नया ठेका जो है वो दिया जा सकता है। लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि कार्रवाई कौन करेगा, सब यहां पर जो है वो मिले हुए हैं लेकिन जो है कोई भी उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। अगर सूबाई वजीर की बात की जाए तो वो मजदूर भी जो है वो तमाम तमाशा देखने के बाद जो है वो चलते बने। उन्होंने ना तो कोई बात की, ना कोई इस हवाले से कोई कार्रवाई का हुक्म दिया कि मीडिया के सवाल करने पर जो है वो ठेकेदार के हवारी जो आपस से बाहर हुए, लेकिन तमाम तर जो खामोश तमाशाई बनने के बाद जो है वो चलते बने। मीडिया कभी खामोश नहीं बैठेगा बल्कि सच्चाई दिखाता रहेगा, लेकिन वजीर की खामोशी समझ से बालातर है। बहुत शुक्रिया काशिफ अपडेट करने के लिए। और ये थी फैंस टीवी ताज़ातरीन।